डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिणांचल स्थित पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में जिला मुख्यालय से आसपुर उनाली मार्ग पर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर वाड़ा मोड़ से भासोर कुकापुर मांडव मार्ग पर हरमत्या नामक गांव में हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर काफी अर्वाचीन है। मांडव गांव के नजदीक स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर को मांडव्या हनुमान भी कहा जाता है। इस मंदिर में आस पड़ोस व दूर दराज के गांवों तथा शहरों से भी श्रद्धालु भक्तजन अपनी अपनी मन्नतें मांगने बाधाएं दूर करने हेतु प्रति मंगलवार तथा विशेषकर शनिवार के दिन काफी तादाद में नर नारी तथा विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग यहां एकत्रित होते हैं। मन्नतें पूरी होने पर बाधाएं हटने पर श्रद्धालु भक्तजन गोट पार्टी भी आयोजित करते हैं। मंदिर का प्राचीन काल से चला आ रहा स्वरूप काफी कुछ नए रूप में विकसित हो गया है। मंदिर प्रांगण में काफी संख्या में नारियल प्रसाद के अलावा दैनिक उपयोग की रोजमर्रा की वस्तुएं भी उपलब्ध रहती है। नवविवाहित युगल जोड़ी भी हनुमान दादा के मंदिर में नतमस्तक एवं दंडवत प्रणाम कर अपने भावी भविष्य के लिए मंगलवार कामना करती नजर आती है। मंदिर में उपस्थित एक भक्तों एवं श्रद्धालु सत्तू हथाई निवासी नवम्बर युगल विवाहित सूर्यदेव सिंह ने डी लाइव न्यूज चैनल को बताया कि मेरा नाम सूर्यदेव सिंह चारण है। मैं यहाँ सत्तू हथाई का रहने वाला हूँ और मैंने मंसूर सिक्का मोह शादी की है। मेरा कौन नाम है और हम इस मंदिर में पहली बार आए हुए और नाम सुना है इसका हनुमान जी का। अपने नए जीवन की शुरुआत महाराज के दर्शन से करना चाहते हैं, इसी कारण से हम यहाँ काफ़ी बहुत अच्छा लगा। मंदिर की व्यवस्था भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। यही आशा करते हैं कि भगवान हमारी खुशियाँ हमेशा बनी हुई और हरी रहती है। कि हम हमारा वैवाहिक जीवन अमन चैन से व्यतीत हो इसलिए हनुमान दादा से दुआएं मांगने आए हैं। काफी लंबी चौड़ी तादाद में भक्त जनों की अपार भीड़ में घंटों प्रतीक्षा उपरांत बड़े ही धैर्य के साथ भक्त एवं श्रद्धालु जनवरी अपने हनुमान दादा के दर्शनों का लाभ लेते हैं। मांडविया हनुमान जी के चमत्कारी मूर्ति होने से भक्त जनों का श्रद्धा भाव वहां देखते ही बन पड़ता है। सभी के मन की मुरादें पूरी करके दादा ने भक्तजनों को अपार स्नेह तथा आस्था लुटाते हैं। सर्वत्र मांडव्या हनुमान जी मंदिर के चमत्कारों एवं प्रसिद्धि की चर्चा का आम विषय आम जन में सुनाई दे रहा है। जय बोलो मांडव्या हनुमान दादा की जय। मेरे मम्मी पापा के जात पुत्रिया की मेरे मम्मी पापा नरणिया मेरे बुआ के यहाँ मेहमान आए। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ये कहा कि आप नरणिया आए हुए थे, मांडव्या जी जाके अपन मन्नत कर लेते हैं ताकि आपके घर का दीपक मिलेगा। मेरे मम्मी पापा ने मांडव्या हनुमान जी आकर के यहाँ मन्नत रखी। उसके बाद मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मेरे पिताजी मेरे को पैदल चल कर के यहाँ हर शनिवार को अपने कंधे पे बिठा कर लेकर यहाँ दर्शन करना कराने के लिए लेकर आते थे। और आप मेरे मम्मी पापा तो प्रभु को प्यारे होंगे लेकिन मैं आज भी करीब 55 साल की उम्र हो गई है मैं यहाँ आते आते। और जब मैं छोटा था तब आता था एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन आज यहाँ भव्य मंदिर के रूप में ऐतिहासिक एक दृश्य नज़र आता है और यहाँ का नज़ारा ही अलग। यहाँ के श्रद्धालु जितने भी आते हैं छोटी मंदिर मन्नत रखते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ हर शनिवार के दिन इतनी भीड़ लगती है, लाइन में रहना पड़ता है 3-3 घंटे। मैं खुद लाइन में रहता हूँ क्योंकि मेरे एक आत्मा ये है कि मेरे को बीच में दर्शन नहीं करे, इसलिए लाइन में खड़ा रहता हूँ और 3 घंटे लाइन में खड़े रहकर के भी माँ आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाता हूँ। खुश हूँ। सर क्या नाम है आपका? कांतिलाल कलाल। कहाँ से सर? निवासी पंड्यावाड़ा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ करीब मांडव्या हनुमान दादा से 50 किलोमीटर दूर मेरा गाँव पड़ता है, लेकिन हर शनिवार को यहाँ हाजिरी देने आ जाता हूँ दादा के दरबार में। ये मेरी आस्था है और यहाँ का दिया हुआ हूँ मैं। और यहाँ जो भी मन्नत रखता है हर श्रद्धालु उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।